प्रथम तहलका न्यूज। 15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे होने पर अब देश की भाजपा सरकार के अलावा कांग्रेस ने भी तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है और इस कड़ी में बड़खल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। ये तिरंगा यात्रा विधानसभा क्षेत्र की हर मुख्य सड़क से गुजरी, जहां लोगों ने उनका अभिनंदन किया। यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेसी नेता विजय प्रताप ने कहा कि आने वाली 15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में आजादी के लिए जिन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानियां दी है और जेलों में रहे उन सबको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा सरकार को घेरते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने देश को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बांट दिया है, इसीलिए देश को एक बार फिर जोड़ने की जरूरत है, जिसको लेकर तिरंगा यात्रा शुरू की गई है। देखिए, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले 15 अगस्त को उन महान सेनानियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की, जिन्होंने सबसे पहले जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी और जिन्होंने संघर्ष किए, जेलों में रहे, उन सबको हम कृतज्ञ श्रद्धांजलि देते हैं, उनके प्रति नमन करते हैं। और आज हम ये भारत जोड़ो जो आंदोलन निकाल रहे हैं, हम यात्रा, ये इसलिए कि आज देश में माहौल ऐसा हो गया है कि मौजूदा सरकार ने भाई को भाई से, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इसमें बांट दिया है संस्कृति में। पुनः एक दफ़ा भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। उस जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उन महान शहीदों को नमन करते हुए यात्रा शुरू की। विजय जी जैसे आप, विजय जी, आपने बांटने वाली बात कही, क्या स्वतंत्रता सेनानी भी बांट दिए गए हैं अपने? नहीं, ये तो भाजपा सारे काम कर रही है, बांट रही है, पूर्वजों को बांट रही है। हमारे उन महान पूर्वजों ने ये कभी सोचा थोड़ी था कि आज इतने दिनों के बाद, 75 सालों बाद दोबारा देश को जोड़ने की आवश्यकता पड़ जाएगी, ये सोचा भी नहीं था। आज़ादी दिलाने में गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन बीजेपी जो सरकार है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रही है, क्या कहना चाहते हैं? गांधी जी के संरक्षण में आज़ादी का आंदोलन रहा और बहुत सबसे बड़े सूत्रधारक वही रहे, लेकिन लाखों ऐसे सेनानी हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, हम सब उनको कृतज्ञ नमन करते हैं। तिरंगा के सम्मान होना चाहिए, बीजेपी सरकार में तिरंगे बेचे जा रहे हैं डाकघर में भी, ये बड़ी निराशाजनक। भारत जोड़ो। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।